हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मेन एग्जाम देना होगा और इस मेन एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी देना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर 5 जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स, इस टॉपिक पर आप कैसे प्रैक्टिकल को तैयार कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ की लिंक दे दूंगा जहां से आप इस प्रैक्टिकल को नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले के 4 प्रैक्टिकल के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने पीडीएफ की लिंक दे दी है जहां से आप उन प्रैक्टिकल्स को भी तैयार कर सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम एन इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू इंग्लिश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी। जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपके सामने बहुत सारी लिंक्स आ जाएंगी जहां पर आप किसी भी लिंक को ओपन करके आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहां पर बहुत सारी लिंक्स हैं तो मैं किसी भी लिंक पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक ओपन हो जाएगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, तो यहां से भी आप अपने प्रैक्टिकल के लिए टॉपिक ढूंढ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, यहां से भी आप कुछ मटेरियल नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रकार, कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है, जैसे यहां पर आपको प्रकार दिए हैं, 3 प्रकार दिए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। इसके आगे है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें, तो यहां पर से आप मटेरियल लेके अपना प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स के महत्व भी समझाया गया है तो इसको भी आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में तैयार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि मैंने यहां पर आपके लिए पहले से ही कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक पर प्रैक्टिकल को नोट डाउन करके रखा है तो यहां से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे संचार कौशल, संचार कौशल विचारों का आदान प्रदान करने और अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की एक कला है। संचार कौशल के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल को एक प्रभावी प्रक्रिया भी माना जा सकता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्तित्व और गुणों को दर्शाने का कार्य करता है। यहां पर मैंने इमेज लगा दी है, आप चाहें तो आप भी इमेज को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लगा सकते हैं। संचार कौशल के प्रकार, तो संचार कौशल के प्रकार जो है यहां पर 5 प्रकार के दिए गए हैं, जैसे मौखिक संवाद, गैर मौखिक या अनकहा संचार, दृश्य संचार, सुनना, लिखित संचार। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कुछ बेस्ट टिप्स भी यहां पर दिए गए हैं, जैसे आपके संदेश या वाक्य में एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से वर्णित हो। संचार के लिए उपयुक्त तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। आप कोशिश करें कि एक ही प्रकार का संचार उपयोग करके करने के बजाय एक से अधिक संचार का उपयोग करें, जैसे स्कूल में पढ़ाते हुए टीचर बोलने के साथ साथ इशारा करके भी समझाते हैं। और भी यहां पर कुछ टिप्स दिए गए हैं। आगे चलते हैं, प्रभावशाली ढंग से कैसे बोलें, तो आप कैसे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे से बोल सकते हैं, यहां पर भी कुछ टिप्स दिए गए हैं। एक अच्छे वक्ता को यह हमेशा पता होना चाहिए कि वह क्या बोलने वाला है या क्या बोलना चाहता है। उसे कोई भी प्रकार की उलझन की दशा में नहीं होना चाहिए। श्रोता को भी वक्ता की बातों पर रुचि होनी चाहिए। अगर श्रोता कोई सवाल करता है तब वक्ता के पास उसका जवाब तुरंत होना चाहिए। वक्ता को जो बोलना है उसके मुख्य हेडलाइन को लिखकर रख लेना चाहिए ताकि भूलने का चक्कर ना रहे। बोलते समय संचार के विभिन्न माध्यमों को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए ताकि संचार में कोई रुकावट पैदा ना हो। आपका भाषण प्रभावशाली हो ताकि सुनने वाला प्रभावित
हो सके। आप और भी इसमें जो टिप्स दिए हैं उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। प्रभावशील श्रोता से संबंधित, श्रोता हमेशा सतर्क रहें और सामने वाले की बातों पर रुचि रखें। वक्ता को बीच में ना टोकें, उसकी बातों को विस्तार से सुनें, फिर अंत में अपना प्रश्न करें। वक्ता से नेत्र संपर्क बनाए रखें, वक्ता की बातों पर अपनी राय व फीडबैक दें। दैट्स फॉर ऑल टुडे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट या क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिकल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।